बिहार में पंचायत चुनाव के लिए हर बार एक नई तारीख आ जा रही है। हालांकि ये तारीख हाईकोर्ट से दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर जिन लोगों को पंचायत चुनाव में लड़ना है या पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी तय करनी है, वो लोग लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसे लेकर भी तरह तरह की खबरें आती हैं, लेकिन अब तो एक बात तय है कि तारीख कभी भी आए पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव होते होते अगस्त तक का महीना तो जरूर जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर अभी भी हाईकोर्ट में मामला फंसा हुआ है। हर दिन सुनवाई की एक नई तारीख मिल रही है और इस तारीख को अगर आप इसे ऐसे देखें कि अगर इस महीने के लास्ट तक में भी हाईकोर्ट कोई फैसला ले लेता है तो उसके बाद राज्य का जो निर्वाचन आयोग है उसे तमाम तैयारियां करने में और साथ ही विभाग को भी तमाम तैयारियां करने में, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से पूरा चुनाव होना है तो उसे तैयारी करने में और 9 चरणों में पंचायत चुनाव को करवाने के लिए कम से कम भी तो अगस्त तक का महीना जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन की तारीख तय होगी, उसके बाद लगातार अगर चुनाव कराए जाएँ, उसके अलावा कोविड का संक्रमण भी है, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यह चुनाव अगस्त तक तो चला ही जाएगा। वहीं पंचायत राज मंत्री जो हैं उनका साफ तौर से कहना है कि विभाग पूरी तरीके से तैयार है, हम बस इंतजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट कोई निर्देश दे, उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया शुरू करें। इसमें तो चुनाव की प्रक्रिया में हम पूरी तरह तैयार हैं, राज्य सरकार पूरी तरह जो इलेक्शंस में जितने प्रोसेस हैं हम करके रेडी हैं। आज यदि राज्य निर्वाचन आयोग ये तय कर ले कि हम चुनाव का डेट का ऐलान करेंगे, हम लोग तैयार हैं। अब इलेक्शंस कमीशंस के बीच का वार्ता चल रहा है और हाईकोर्ट इसको मॉनिटरिंग कर रहा है, तो जैसे वो फलाफल आता है हम लोग तैयार हैं। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी की माने जो मंत्री हैं पंचायत राज विभाग बिहार के, उनका साफ तौर पे कहना है कि चूंकि यह चुनाव कोरोना संक्रमण के समय हो रहा है तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में तमाम बातों का या तमाम गाइडलाइनों का पालन किया गया तो इस चुनाव में भी उसी तरीके से गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। ईवीएम वोटिंग को कैसे करना है, ये सारे काम को प्रक्रिया को पूरा करेंगे, क्योंकि हम, क्योंकि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उनको खतरा में नहीं डाल सकते, लेकिन लोकतंत्र भी स्थापित करना ही हमारा धर्म है। तारीखें जब भी आए लेकिन बिहार में एक तरीके से देखें तो पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण स्तर पर जो लोग पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक रहे हैं वो अभी से उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर ली है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई क्षेत्रों से पंचायत चुनाव को लेकर अलग अलग रंजिशों की खबर भी आती है, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि बिहार में ऑलरेडी जो लोग हैं वो पंचायत चुनाव को लेकर अपनी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन मामला हाईकोर्ट में फंसा है तो वहीं यह मामला राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्र का जो चुनाव आयोग है इन दोनों के बीच भी फंसा हुआ है कि आखिर ये खास तरीके का ईवीएम कैसे होगा और ये कब तक बनकर आएगा राज्य निर्वाचन आयोग के पास। तो खैर इंतजार करिए, लेकिन यह तो तय है कि पंचायत चुनाव होने वाला ही है। फिलहाल बड़ी बात यह है कि आप अपना ध्यान रखें, कोविड का संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो कोविड के संक्रमण से बचें, जान है तो जहान है।